नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्रिज कन्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। दोस्तों, कौन है जो भोलेनाथ की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, जीवन में जब बहुत संकट आ जाए तब हनुमान जी की शरण में हम आते हैं और शनिवार का जो दिन होता है वो आपको संकटों से मुक्ति दिलाने वाला दिन होता है, क्योंकि शनिवार के दिन हनुमान जी की तो कृपा आप पर बनती ही है, शत्रु विरोधी आपका चाहकर भी बाल भी बाका नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जीवन के तमाम परेशानियों से बाहर निकालते हैं और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए भी कुछ ऐसे उपाय शनिवार के दिन किए जाए तो जीवन के हर कष्ट को समाप्त कर देता है। तो आज हम आपको उड़द के टोटके बताएंगे जो न सिर्फ आपके दुर्भाग्य को दूर करेंगे बल्कि आपके शत्रु को भी उनके मुंह की खाने पर विवश कर देंगे। अब सवाल आता है कि आखिर क्या करें, कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाएं? देखिए, कुछ उपयोगी उपाय जो हर घर में लोग करते हैं ये सभी जानते हैं, ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। जैसे कि आप जीवन में चाहते हैं कि संकट से मुक्ति आपको मिले, शांति समृद्धि के रास्ते पर आप चलें, तो ऐसे में छोटा सा सरल उपाय करने में क्या हर्ज है जो आपके जीवन के सभी कष्ट को दूर करेगा। अगर आपके जीवन में आपको धन की बहुत परेशानी है या अगर कुंडली में शनि देव आपके जीवन में कष्ट को बढ़ा रहे हैं, तब ऐसे में क्या करें? नए कार्य में आपको असफलता मिल रही है, कोई भी काम शुरू कर रहे हैं उसमें असफलता आ रही है, तो अब ऐसे में क्या करें? सबसे पहले बात दोस्तों, शनि देव की दृष्टि जो है वो दोष देती है, तो कोई भी ऐसे शनि देव की मूर्ति का दर्शन ना करें जिसमें उनकी आंखें बनी हो, और दर्शन करें भी तो उनकी आंखों को ना देखें, क्योंकि उनकी आंखों से दोष मिलता है, वो जिनको देख लेते हैं वहां का नाश कर देते हैं। इसलिए इन चीजों से बचें, जहां शनि देव की शिला है वहीं पर पूजा करें। तो आज हम बात कर रहे हैं अगर शनि देव की बुरी दृष्टि है आपके जीवन पर तो ऐसे में आप क्या करें। काली उड़द के आपको चार दाने लेने हैं, आपको दाल नहीं लेनी है बल्कि खड़ी उड़द के चार दाने लेने हैं, और शनिवार के दिन सुबह सुबह चार दाने लें। अब इसे अपने सर से तीन बार उल्टा वार लें, यानी कि घड़ी की सुई की उल्टी डायरेक्शन में आपको वारना है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस दाल के दानों को आपको किसी कौए को खिला देना है, कौआ नहीं है तो ऐसे आप किसी जगह पर रख दीजिए जहाँ से कोई चिड़िया खा ले। ऐसा सात शनिवार लगातार करें, यकीन मानिए सभी दोष दूर हो जाएंगे। अगर ज्यादा परेशानी हो तो उड़द के बड़े वगैरह बना लें। अब किसी सफाई कर्मचारी को या कोई मांगने वाला है, कोई भिखारी है जो गरीब हो, जो कष्ट में हो, उन्हें देने से भी आप पर शनि देव की कृपा बरसती है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके काम बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाएं, बन जाएं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा काली उड़द काले कपड़े में बांध लें। अब घर में कहीं भी कोने में भारी वस्तु से दबा करके रख दें, ऐसा करने से आपके कार्य बनेंगे और आपकी इच्छा अनुसार आपके काम बनेंगे। वैसे अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उस स्थान पर कुमकुम से स्वास्तिक जरूर बना लीजिए, क्योंकि स्वास्तिक बनाने से हर काम में शुभता आती है, और उसके ऊपर उड़द के दाल के दाने रख दें, ऐसा करने से भी आपके काम में आपको सफलता मिलती है। लेकिन अगर आपके शत्रु विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं तब क्या करेंगे? देखिए, अगर शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो ऐसे में 38 दाने यानी 38 दाने काली उड़द की दाल के लेने हैं और 40 चावल के दाने लेने हैं, यानी 40 दाने। अब किसी सुनसान जगह पर मिट्टी में एक गड्ढा करें, उसमें ये सब डाल दें, और ऊपर से गड्ढे को भरने के बाद एक नींबू काटकर उस पर निचोड़ दें, और निचोड़ते समय शत्रु का नाम लेते रहे। ध्यान रखें, आपको पहले गड्ढा भर लेना है और उसके बाद नींबू को निचोड़ना है। इससे शत्रु आपके विरुद्ध कोई भी कदम नहीं उठा पाएगा, करके देखिए, आपको लाभ होगा। अगर जीवन में दुर्भाग्य पीछा ना छोड़े, घोर दरिद्रता छाई हुई है, हर काम में असफलता झेलनी पड़ रही है, जीवन में बहुत परेशानियां है, तब ऐसे में एक अंतिम
उपाय जो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको करना बस ये है कि शनिवार के दिन शाम के समय काली उड़द के 2 दाने लें। अब उस पर थोड़ा सा दही लगाइए और थोड़ा सा सिंदूर लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। अब ऐसा आपको लगातार 21 दिन तक करना है और जब भी आप रखें ये ध्यान रहे कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और उड़द के दाने रखकर आप ये बोलकर आइए कि माँ लक्ष्मी आप मेरे साथ चलिए, ऐसा बोलकर सीधा घर लौट जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। यकीन मानिए इससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और सच में महालक्ष्मी आपके घर आएंगी। साथ ही अगर एक लोटा जल लेकर जाएंगे और पीपल को अर्पित करेंगे तो आपको कई गुना फल प्राप्त होगा। कुछ ही दिनों में आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा और आपके जीवन में खुशियां एक बार फिर से दस्तक देंगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।